हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 27 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ब्लूटूथ आपको बंद कर देना है पहले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है सबसे पहले, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये प्रॉपर्ली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको है ना सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना ये तीन सेटिंग आपको दिखाई दे रही है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। आपको इसे नीचे की साइड यहाँ पे ना रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पेज में है ना सबसे नीचे दोबारा से रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको है ना उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। थोड़ी देर तक आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको अपने नीचे की साइड अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अगला पेज आपका ये APN का होगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। तो आपको है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी यहाँ पे अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ऑप्शन ये मिलेगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।